got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. बच्चों, तो constraint motion पे मैं already एक video कर चुका हूँ. YouTube पे type करना है constraint motion physics वाला. वो video काफी lengthy method से मैंने बताया था और मैंने कहा था कि constraint motion का मैं एक और video बनाऊँगा. Promise की थी आपने, comment किया था और आपने video मांगा था. So finally constraint motion की trick वाला video मैं लेके आया हूँ, जिसमें इस तरह के सारे question मैं solve करके आपको दिखाऊँगा. सिर्फ tension और string वाले ही question नहीं, even normal reaction से कैसे आप कंस्ट्रेंट मोशन के सवाल सॉल्व करने हैं. सबको कंस्ट्रेंट मोशन का आइडिया डेफिनेटली होगा. डेफिनेटली ऐसा मोशन जिसमें कुछ कंडीशन लगी हो, दो चीजें या तो किसी स्ट्रिंग से बंधी हो या दीवार के सहारे अटकी हो, कुछ ऐसा कंस्ट्रेंट हो, कुछ ऐसा बंधन हो जिसमें एक बॉडी का मोशन दूसरे बॉडी के मोशन को अफेक्ट कर रहा हो या इफेक्ट कर रहा हो. तो मेरा नाम अलख पांडे, हमारा आपका ये बहुत ही प्यारा सा, खूबसूरत सा, दीवाना सा चैनल फिजिक्स वाला. तो स्टार्ट करते हैं यार कंस्ट्रेंट मोशन. और ये वीडियो तेजी में चलेगा तो कॉपी और पेन निकाल लें और कोशिश करें कि अपना ही कॉपी पेन यूज करें. किसी देखो, कंस्ट्रेंट मतलब होता है कि कोई बंधन हो, ठीक है. कंस्ट्रेंट मोशन में कोई बंधन होगा. बंधन बोले तो कोई कंडीशन होगा, ठीक है. किसी कंडीशन से कहानी चल रही होगी. एक बॉडी के मोशन से दूसरी बॉडी का मोशन इफेक्ट हो रहा होगा. जैसे मान लो मैं आपको सिंपल ये क्वेश्चन दूं कि यहां पे एक पुली है, एक मास इधर लटक रहा है, एक मास इधर लटक रहा है. तो मान लो ये मास यहां पे नीचे एक्स डिस्टेंस गया तो ये ऊपर एक्स डिस्टेंस जाएगा. ऐसे मोशन को हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट. इसके चलने की कंडीशन इसके चलने की कंडीशन पे डिपेंड करती है, ठीक है. तो कंस्ट्रेंट मोशन में सवाल कैसे कैसे मिलते हैं, मैं आपको सीधे सवालों पे ले चलूंगा. और सबसे पहला और बहुत ही प्यारा सा सवाल हम करेंगे. चलिए सब लोग सवाल बनाएंगे कॉपी में. बहुत ही प्यारा सवाल. यहां पे मेरे पास एक मास है 2 kg का और यहां मेरे पास एक और मास है 1 kg का. मैंने कहा मुझे एक्सेलरेशन बताइए. फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg मास. तो देखो जनरली पुली वाले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, इसका एक्सेलरेशन ए, इसका एक्सेलरेशन ए मानते थे, फिर टेंशन और लॉज ऑफ मोशन वाली इक्वेशन लिख के सॉल्व कर लेते थे. यहां दिक्कत क्या है, दोनों मासेस का एक्सेलरेशन सेम नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये मूवेबल पुली है, ये जब एक्स ऊपर उठेगी तो ये 2x नीचे आएगा. चलिए हम मान लेते हैं आपको ये बात नहीं पता. आप क्या करना, आपको एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए. वर्क डन बाय टेंशन फोर्स यहां पर 0 आएगी. टेंशन एक इंटरनल फोर्स है, खुद ही इन्होंने अंदर अंदर बनाई है. जितना इस पे टेंशन, देखो इस पे टेंशन किधर लगेगा, ऊपर. ये मास किधर गया, नीचे. तो यहां वर्क डन टेंशन का कैसा होगा, नेगेटिव. फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे. यहां टेंशन किधर लगेगा, ऊपर. यहां किधर लगेगा, ऊपर. इसका डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर. तो इस पे वर्क डन बाय टेंशन पॉजिटिव. जितना यहां पॉजिटिव वर्क उतना यहां नेगेटिव वर्क. यानी वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इज 0. मतलब टेंशन फोर्स फर्स्ट पे, डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट का. टेंशन फोर्स सेकंड पे, डिस्प्लेसमेंट सेकंड का इज इक्वल्स टू 0. डॉट लगाया. वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के रिस्पेक्ट में तो T1 डॉट डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी, T2 डॉट V2 इज इक्वल्स टू 0. इसको मैं फिर से डिफरेंशिएट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो T1 डॉट वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन, T2 डॉट वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन. तो ये तीन आप कंडीशन याद रखो. कंस्ट्रेंट मोशन के मैक्सिमम सवाल तो यहीं से सॉल्व होंगे. इसको आप लिख सकते हो समीशन ऑफ T.x इक्वल टू 0. जितनी भी टेंशन है, जितने भी डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, सबका समीशन करेंगे तो 0. समीशन ऑफ T.v इज इक्वल टू 0. समीशन ऑफ T.a इज इक्वल टू 0. बहुत ही खूबसूरत सी कंडीशन याद रहेगी. आओ लगाते हैं, या लगाने से समझ में आएगा, लिखने लिखने से कुछ पल्ले नहीं पड़ता. चलो देखते हैं. मान लो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a2, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a1 माना है. हो सकता हो नेगेटिव आए ये नीचे, वो ऊपर, देखा जाएगा.
तो कंडीशन लगाते हैं समीशन टी डॉट ए इज इक्वल्स टू जीरो। यहां पे देखो टेंशन ऊपर है, ये नीचे है, तो एंगल कितना हुआ 180, cos 180 इज माइनस 1, डॉट में cos आता है ना, तो t ऊपर a2 नीचे, तो माइनस t a2 प्लस, यहां पे आओ इसमें टेंशन कितनी है 2t डॉट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी उधर टेंशन भी उधर, cos 0 इज 1, तो 2t into a1 इज इक्वल्स टू 0। डॉट प्रोडक्ट लेना है, डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है cos थीटा, यहां से देखो टी टी कैंसिल हो जाएगा, ए टू इज इक्वल्स टू टू ए वन आ रहा, ए टू इज इक्वल्स टू टू ए वन, यानी इसका एस्कलरेशन अगर हम ए माने तो इसका एस्कलरेशन टू ए होगा। बस इतनी इंफॉर्मेशन के साथ ये क्वेश्चन हलवा हो गया। अब एफ बी डी बना लो, इस पे नीचे की तरफ फोर्स 2g, इसका मोशन लिखोगे तो क्या लिखोगे 2g माइनस टी, नेट फोर्स किधर है नीचे 2g माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए, एम कितना है 2, a कितना है 2a, तो 2 टू जा 4a। यहां पे आओ इसके ऊपर देखो नेट फोर्स ऊपर की तरफ 2t, नीचे की तरफ 1g, तो इसके लिए लिखोगे 2t माइनस 1g इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन a, ये सेकेंड इक्वेशन। आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए, टेंशन को एलिमिनेट करना है, इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को एड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2t 2t कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई किया 4g माइनस g 3g, 2 से मल्टीप्लाई किया 8a प्लस a 9a, तो यहां से a इज इक्वल्स टू 3g बटे 9 या a इज इक्वल्स टू g बटे 3। एक इसका एस्केलरेशन है इसका, तो इसका एस्केलरेशन ऊपर की तरफ g बटे 3 पॉजिटिव, हमसे एस्केलरेशन ऑफ 2kg पूछा है, इसका एस्केलरेशन नीचे की तरफ 2a, तो इसका एस्केलरेशन 2 इंटू जी बाई 3 और साथ में नेगेटिव, सो एस्केलरेशन ऑफ 2 के जी मास इज माइनस 2 जी बाई 3। नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि ये नीचे जा रहा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको 10 से 12 एग्जाम्पल जल्दी जल्दी कराऊं जिससे आपको इसका कंसेप्ट बहुत अच्छे से आ जाए। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, प्यारे प्यारे सवाल कराऊंगा, मान लो फिर से कंस्ट्रेंट मोशन करेंगे, ठीक है कंडीशन लगाएंगे, मान लो यहां एक ब्लॉक है और एक मूवेबल पुली और एक फिक्स्ड पुली, और ये एक ब्लॉक है, ठीक है इसको मैं बोल देता हूं मान लो 2 केजी का और इसको मैं बोल देता हूं 1 केजी का, हमसे कहा फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 1 केजी मास, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 1 केजी मास, तो यहां पे भी दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा या शायद वो हमें पता नहीं है, तो एक काम करते हैं यहां टेंशन टी, यहां टेंशन टी, यहां टेंशन टी, इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ ए1, इसका नीचे की तरफ ए2, समीशन टी डॉट ए इज इक्वल्स टू जीरो, डॉट प्रोडक्ट लेना है, यहां पे देखो टी और ए अपोजिट है तो क्या हो जाएगा माइनस टी ए2 प्लस, यहां पे आओ कितना टेंशन लग रहा है इस पे 2t और एक्सेलरेशन भी इधर, यानी 2t into a2 is equals to क्या है a1 into a1 is equals to 0, tt कैंसिल हो जाएगा, a2 is equals to 2a1 यहां पे भी आ गया, मतलब इसका एक्सेलरेशन a माने तो इसका एक्सेलरेशन 2a। इसके बाद fbd बनाना है, इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स 2g, इसकी इक्वेशन 2g minus t is equals to mass into acceleration 4a, इसमें देखो कौन सी फोर्स है सिर्फ 2t, 2t is equals to mass into acceleration a, बोलो समझ में आ रहा है, आसान लग रहा है, अब इसीलिए कहा था मैंने थोड़ा पहले पढ़ लो फिजिक्स, अब ये सब आसान लगेगा, 2t is equals to mass into acceleration, आपको t को एलिमिनेट करना है, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 टू जा 4, 4g और दोनों को ऐड कर दो, फिर 2t 2t कैंसिल, देखो 2 2 जा 4, 4g ले लिया, 2t 2t कैंसिल, 2 4 जा 8a और a कितना हो गया 9a, यहां से यू कैन गेट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 4g बटे 9, बोलिए क्लियर है 4g बटे 9, किसका एक्सेलरेशन चाहिए था 1 kg का, 1 kg का a है मतलब 4g बटे 9, क्लियर है समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलिए तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो देखो ये जो बात की इक्वेशन बना रहे हो, ये आपको इक्वेशन बनाना आता है, आज हम बात करेंगे कंस्ट्रेंट मोशन की, मतलब ये अगला सवाल देखो बहुत खूबसूरत है, बेहतरीन ट्रिक हमको मिली है,
अगला सवाल क्या है, रिंग 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 रिंग, यहां पे एक मूवेबल पुली, यहां पे एक मूवेबल पुली, और हमसे बोला ये ब्लॉक वन ये ब्लॉक टू, ब्लॉक वन इस तरफ जा रहा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, तो पूछा ब्लॉक टू का एक्सेलरेशन कितना होगा। सवाल ये है ब्लॉक टू का एक्सेलरेशन कितना, देखो यहां पे टेंशन इधर लगेगा टी, यहां पे इधर टी, इस बॉडी के ऊपर 2t लग रहा पीछे, इसकी बात करें यहां पे टी, यहां पे टी, यहां पे टी, तो इसके ऊपर कितना टेंशन लग रहा 3t, टी टी टी। चलिए तो हम लिखेंगे समिशन टी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो, इसके लिए बताओ टेंशन कितना है 2t पीछे, एक्सेलरेशन इधर, मतलब डॉट लेने पे माइनस आएगा, तो 2t इंटू माइनस 6 प्लस, इस पे आओ टेंशन कितना है 1t ये, एक टी ये, एक टी ये, देखो ये भी इससे बंधा है, तो टी 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 3t, और एक्सेलरेशन भी इसी के डायरेक्शन में, तो इंटू ए टू इज इक्वल टू जीरो, टी टी कैंसिल हो जाएगा 3 times of A2, इधर चला जाएगा 2 6 12, तो ए टू कितना आ गया 4 meter per second square, मिल गया एक्सेलरेशन इसका 4 meter per second square, क्लियर है, टी डॉट ए इक्वल टू जीरो। कहां से आया, वर्क डन बाय टेंशन इंटरनल फोर्स पूरे बॉडी पे कंबाइन करके जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हमने ले लिए 1 2 3, चलिए फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है थोड़ा एंगल वगैरह लाते हैं सवाल में। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करूं, मेरे पास एक कार यहां पर है, और एक कार ऊपर है और एक कार नीचे भी है, ठीक है, एक कार मेरे पास यहां पे है कार ए, एक कार यहां पे है मेरे पास कार बी, ऊपर वाली को मैंने बोला कार ए, नीचे वाली को बोला कार बी। कार ए यहां से आगे भाग रही विद अ स्पीड ऑफ 4 meter per second, ये एंगल विद द हॉरिजॉन्टल 37 डिग्री, जब ये आगे भागेगी तो कार बी भी आगे बढ़ेगी विद अ स्पीड वी बी, हमसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी बी। चलिए इसको करा जाए, टेंशन लगाएंगे, यहां पे टेंशन इस पे पीछे, यहां पे टेंशन इस पे ऊपर, हम लिखेंगे इस बार समीशन टी डॉट वी इज इक्वल टू जीरो। देखो समीशन टी डॉट डिस्प्लेसमेंट, समीशन टी डॉट एक्सेलरेशन, या समीशन टी डॉट वेलोसिटी, सब जीरो आएगा, ये वर्क डन से निकाला फिर ये डिफरेंशिएट करके, यहां वेलोसिटी पूछ रहा है तो वेलोसिटी के टर्म्स में लिखेंगे। कार ए की बात करें, टेंशन इधर वेलोसिटी इधर, तो टी इंटू माइनस 4 प्लस, इसकी बात करें टेंशन इधर वेलोसिटी इधर, डॉट है, एंगल कितना है टेंशन और वेलोसिटी के बीच में 37, तो टी कॉस 37 इंटू, या ऐसे लिख लो भाई, ए डॉट बी, तो ए बी कॉस थीटा, तो टी वी बी, इनके बीच में एंगल 37, कॉस 37 इज इक्वल्स टू जीरो, सिंपल था, टी टी कैंसिल हो जाएगा, वी बी कॉस 37 इज इक्वल्स टू 4। कॉस 37 कैसे निकालोगे, सबको याद होगा ये एंगल अगर 37 है तो यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5, 37 वाला ट्रायंगल यही होता है, कॉस 37 हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 4/5 इज इक्वल्स टू 4 से 4 मर गया, VB की वैल्यू आ गई 5 meter per second, सो VB इधर चलेगा 5 meter per second से, एकदम सिंपल है, मजा आ रहा, क्लियर हो रहा, बहुत बढ़िया, यही तो मेरा एम है। चलिए देखिए अगला सवाल, थोड़ा खूबसूरत बनाते हैं सवाल को, पांचवा सवाल लेने जा रहे हैं, थोड़ा और खूबसूरत बनाते हैं। चलिए देखिए, यहां पे एक गाड़ी आ गई और पुली वगैरह में लगा दूं, और यहां पे एक मास लटक रहा ए, यहां कोई गाड़ी है बी, ये गाड़ी यहां पे आगे बढ़ रही विद एक्सेलरेशन ऑफ 8 meter per second square, जब ये गाड़ी आगे बढ़ेगी तो बहुत क्लियर सी बात है कि ये मास ऊपर उठेगा विद सम एक्सेलरेशन, तो हमसे पूछ रहा है इस मास का क्या एक्सेलरेशन होगा, करिए अब इसको खुद से आप पॉज करके, चलिए पॉज कर लीजिए, करिए मैं करने जा रहा 1 2 3 4 5, चलिए यहां पे टेंशन टी, टी
टर टी टर टी टर टी। चलिए बात करते हैं इस कार की, बात करें क्या लगाएंगे आप, समीशन टी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो। इस कार की बात करें, टेंशन पीछे एस्केलरेशन आगे, तो टी इंटू माइनस एट प्लस। इसकी बात करें इस पर टेंशन कितना लग रहा है, एक दो तीन चार, और एस्केलरेशन ऊपर ही है, टेंशन भी ऊपर, तो फोर टी इंटू ए इज इक्वल टू जीरो। टी डॉट ए में कॉस जीरो आएगा, कॉस जीरो इज वन, है ना, तो टी डॉट ए सीधा यहां से टी टी कैंसिल हो जाएगा, फोर ए इज इक्वल टू एट, ए इज इक्वल टू टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, तो इसका एस्केलरेशन ऊपर की तरफ टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है एकदम। इसके बाद मास वगैरह देगा, तो इक्वेशन तो आप बना ही लोगे, जो भी इसका मास होगा एम ए जी ऊपर फोर टी, फोर टी माइनस एम ए जी इज इक्वल टू एम ए इंटू एस्केलरेशन। क्लियर है, तो वो आप कर लोगे। अब इसके बाद इक्वेशन बनानी आपको आती है, मैं आपको सिखा रहा हूं कंस्ट्रेंट का रिलेशन से खेल खेलना। जैसे मान लो आपको ये सवाल दे दे सिक्स, ये मैं पहले भी कराया था, इस बार देखो इससे कराता हूं। यहां पे एक रिंग है, रिंग है छल्ला है, ये छल्ला इस पे ऊपर नीचे स्लाइड कर सकता है, इस वायर पे ये रिंग ऊपर नीचे स्लाइड कर सकती है। यहां पे एक पुली लगा देता हूं, ये एक पुली लगा दी, और यहां पे हमारे पास एक मास है कोई ए, ये ए नीचे आ रहा विद स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, ये एंगल है 37 डिग्री। अब क्लियर है, जैसे जैसे ए नीचे आएगा वैसे वैसे ये छल्ला ऊपर की तरफ स्लाइड करेगा, ये नीचे आएगा छल्ला ऊपर की तरफ इस वायर पे स्लाइड, देखो ये ऐसे उठेगा, तो हमसे पूछ रहा है इस छल्ले का ऊपर जाते वक्त वेलोसिटी कितना होगा। ये नीचे 4 मीटर पर सेकंड से आ रहा, ये ऊपर किस स्पीड से जाएगा, ट्राई करें एक बार पॉज करके, 1 2 3 4 5 कर लिया ट्राई, मैं करने जा रहा 1 2 3 4 5 ओके। यहां पे टेंशन टी, यहां पे टेंशन टी, क्या लगाओगे वेलोसिटी वाली कहानी, समीशन टी डॉट वी इज इक्वल टू जीरो। इस पे आओ, टेंशन ऊपर वेलोसिटी नीचे, तो टी इंटू माइनस फोर प्लस। इस पे आओ, टेंशन इधर और ये ऊपर जाएगा ऐसे वेलोसिटी, तो टेंशन इधर वेलोसिटी इधर, टी वी एंगल कितना है कॉस 37 इज इक्वल टू जीरो, टी टी कैंसिल, वी कॉस 37 इज इक्वल टू फोर। कॉस 37 अभी अभी आपने निकाला था, फिर से देख लो, ये 37 डिग्री, तो ये 3 4 5, कॉस 37 4 बटे 5, तो v इंटू 4 बटे 5 इज इक्वल टू 4, से 4 मर गया, v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, तो छल्ला ऊपर की तरफ जाएगा विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। हलवा हो गया एकदम, क्लियर समझ में आ रहा, बहुत बढ़िया। चलिए मैं आपको एक अगला एग्जाम्पल दिखा देता हूं, बहुत है यार क्वेश्चन, देखो ये जेई में आया हुआ एक सवाल है। क्या आया था जेई में, हमसे पूछा था कि ये और ये दो तरफ से स्ट्रिंग है, इसको नीचे खींचा यू स्पीड से, इसको नीचे खींचा यू स्पीड से, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, जब इसको यू से नीचे, इसको यू से नीचे खींचोगे तो ये ऊपर चलना स्टार्ट कर देगा, इसको यू से स्पीड से नीचे, यू स्पीड से नीचे, तो ये ऊपर जाएगा। मान लो ऊपर जाने की स्पीड वी है, तो उन्होंने पूछा वी किसके इक्वल होगा, ट्राई करें, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, टू यू कॉस थीटा के, यू कॉस थीटा के, U बटे cos थीटा के, U बटे 2 cos थीटा के, ये सवाल पूछा था। पॉज करके ट्राई करें, 1 2 3 4 5, फिर से 1 2 3 4 5, चलिए मैं सॉल्व करने जा रहा। अच्छा भाई, यहां पे टेंशन ऐसे टी, यहां पे टेंशन ऐसे टी, यहां पे टेंशन ऐसे टी, यहां पे टेंशन ऐसे टी। इस बार वेलोसिटी की कहानी है, तो आप बोलोगे समीशन टी डॉट वी इज इक्वल टू जीरो। इस पे देखो टेंशन ऊपर वेलोसिटी नीचे, तो टी इंटू माइनस यू प्लस। इस पे देखो टेंशन ऊपर वेलोसिटी नीचे, तो टी इंटू माइनस यू प्लस। इसकी बात करें टी टी, टेंशन कितनी है 2t, और ये जाएगा किधर, ऊपर, है ना। चलो दो दो तरफ से देखो, ये वाली टेंशन टी, वेलोसिटी किधर है ऊपर, ये है ना वेलोसिटी, ये ऐसे मूव करेगा कि ऐसे सीधा ऊपर, तो वेलोसिटी और टेंशन के बीच में एंगल थीटा, वेलोसिटी और टेंशन के बीच में एंगल थीटा, तो क्या हो जाएगा टी वी कॉस थीटा। इस वाली टेंशन के लिए टी वी कॉस थीटा, और इसके लिए भी टी वी कॉस थीटा, मतलब टू टी वी
cos theta is equals to 0. समझो ना, इस पे नेट टेंशन कितनी लग रही, 2t, और दोनों वेलोसिटी से कितने एंगल पे हैं, थीटा, तो 2t cos theta into v, या तो एक का ले लो tv cos theta, tv cos theta, यहां से t t t कैंसिल हो जाएगा, 2v cos theta is equals to 2u आएगा, दिख रहा है, 2v cos theta is equals to 2u, t t cancel, u u add हुआ 2u, यहां से 2 2 cancel, v is equals to u बटे cos theta, तो option c is correct. इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, करेक्ट आंसर है, 100% करेक्ट है, इसके सिवा कोई आंसर सही नहीं होगा. चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया. हम लेते हैं अगला सवाल. जितने सवाल इसके कर लोगे उतना कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा. जैसे मैं अगला सवाल ले लेता हूं कि हमको बोला यहां हमारे पास एक पुली, ये हमारे पास एक मास है ए, ये हमारे पास एक मास है बी. हमसे बोला ये एंगल है 37 डिग्री, ये एंगल है 53 डिग्री. हमसे बोला ये आगे चल रहा विद अ स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड. पूछा ये किस स्पीड से आगे या पीछे जाएगा. ट्राई कर लें पॉज करके. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ट्राई कर लिया. चलिए मैं सॉल्व करता हूं. यहां पे टेंशन टी, यहां पे टेंशन टी, सही है. मान लेते हैं ये इस तरफ आगे आया, हो सकता हो पीछे भी जाए. मान लेते हैं अपने आप आंसर नेगेटिव आ जाएगा. मान लेते हैं वी बी स्पीड से इधर आया. हम क्या लगा देंगे, समिशन टी डॉट वी इज इक्वल्स टू जीरो. यहां पे देखो टेंशन इधर, वेलोसिटी इधर, इनके बीच में एंगल कितना होगा, मतलब टी कॉस 37 और नेगेटिव है, दिख रहा है ना, अपोजिट डायरेक्शन में. सो टी वी इंटू माइनस कॉस 37 लिख सकते हैं, है ना. टेंशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना होगा, बाई टेंशन टी कॉस 37 इधर, इसके अपोजिट में, तो माइनस लगा दिया. इसकी बात करो फिर दूसरे वाले की, टी और वी के बीच में एंगल 53, तो टी वी बी कॉस 53 इज इक्वल्स टू जीरो. टी से टी मर जाएगा, वी बी कॉस 53 इज इक्वल्स टू वी ए कॉस 37. तो 37 वाला ट्रायंगल तो आपको याद ही है, अभी आपने देखा ही 3 4 5, और ये रहा 53 वाला ट्रायंगल, सेम ट्रायंगल है यहां 4 3 5. जब छोटा एंगल है तो सामने छोटी साइड, बड़ा एंगल है तो सामने बड़ी साइड. पाइथागोरियन ट्रिपलेट है सबसे फेमस. छोटा एंगल है तो सामने छोटी साइड 3, बड़ा एंगल है सामने बड़ी साइड 4. सो वी बी इंटू कॉस 53 यहां से मिलेगा 3/5, वी ए इंटू कॉस 37 यहां से मिलेगा 4/5, 5 से 5 मर गया. वी बी इंटू 3 इज इक्वल टू वी ए, वी ए की वैल्यू शायद दे रखी है 9 मीटर पर सेकेंड, 9 into 4, 3 3 9, वी बी की वैल्यू हो जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड. तो ठीक है, पॉजिटिव आ रहा, मतलब जो डायरेक्शन माना था वो सही है, ये इसी तरफ चलेगा विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर, 3 3 9 3 4 12, क्लियर. चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया. आपको मैं दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूं, बहुत क्वेश्चन है यार इसके, मैं कराता जा रहा हूं, आप अच्छे से इसको करते जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9th ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन. मान लीजिए हमसे बोलता है कि यहां पे एक मास, यहां पे मैं बना देता हूं ध्यान से देखिएगा, आसान है बस लेंदी है, ठीक है. ठीक है, यहां मेरे पास कोई एक मास ए है, यहां कोई एक मास बी है, और ये सारी फिक्स्ड पुलीज हैं, और नीचे वाली भी फिक्स्ड है इस वाले से, ठीक है. तो हमसे वो कह रहा है कि ये मास अगर नीचे आ रहा विथ 14 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो बी ऊपर कितनी स्पीड से जाएगा, बी ऊपर किस स्पीड से जाएगा. पॉज करके ट्राई करें. ये वाला है 14 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा, तो बी ऊपर किस स्पीड से जाएगा, बताएं 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 बताएं. चलिए सॉल्व करें. 1 2 3 4 5, यहां टेंशन टी, यहां 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 भी टी. हम लिखेंगे समिशन टी डॉट वी इज इक्वल्स टू जीरो. इसकी बात करें टेंशन ऊपर वेलोसिटी नीचे, तो टी इंटू माइनस 14 प्लस. इसकी बात करें टी टी 1 2 3 4 5 6 7, 7 टेंशन ऊपर और ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, तो 7t इनटू वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू जीरो.
सात टी हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात, यहां से टी टी कैंसिल, सेवन टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 14, वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड, खत्म। आसान है, बहुत इजी है यार, कुछ ऐसा है ही नहीं। जैसे इसका देखो एक रॉड वाला सवाल है, रॉड वाला सवाल देखो, सब हलवा हो गया अब आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 10th, थोड़ा तेज हो गया है क्या वीडियो आज का, जल्दी जल्दी करा दिया, आसान सवाल थे, पहले भी आपने टॉपिक कर चुका है, नहीं कर रखा है तो मैंने कहा है वीडियो देख लो। सो मान लो ये एक रॉड है, मासलेस रॉड है, ये रॉड यहां से फिसलना चालू कर दिया हमने, इसको यहां फ्लोर पे रखा, ये इधर से फिसलने लगा, ये इधर फिसल रहा है विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, ये इसका एंड ए, ये इसका एंड बी। अगर ये रॉड इधर 3 मीटर पर सेकेंड, अगर ये इधर फिसलेगा तो ये रॉड यहां से भी नीचे गिरेगा, ये एंगल हमको बोला 37 डिग्री, तो हमसे पूछा ये जो बी वाला पॉइंट है ये किस स्पीड से नीचे आएगा, वेलोसिटी ऑफ बी पॉइंट, ये इधर फिसलेगा तो ये नीचे। तो ट्राई करें, वेलोसिटी ऑफ बी पॉइंट, दिस इज अ मासलेस रॉड, क्या रॉड में टेंशन होता है? बिल्कुल, स्ट्रिंग वायर रॉड सब में होता है। पॉज करके ट्राई करें, 1 2 3 4 5, तो यहां पे मैंने टेंशन बनाई टी, यहां पे टेंशन टी। अच्छा, हम लगाएंगे समीशन टी डॉट वी इज इक्वल्स टू 0। चलिए यहां पे देखिए, टेंशन इधर, वेलोसिटी इधर, यानी नेगेटिव है, एंगल कितना, टी कॉस 37 नेगेटिव में, तो टी कॉस 37 नेगेटिव में 3 प्लस, इसकी बात करें बच्चों, ये 37, ये 90, ये कितना होगा, गिनोगे तो ये आएगा 53 डिग्री। ठीक है, ट्रायंगल के तीन एंगल निकालना आता होगा, 37, 90, तो बचा हुआ हो जाएगा अपने आप 53। इसकी बात करें, टेंशन भी इधर, वेलोसिटी भी इधर, एंगल है 53, तो टी इंटू वेलोसिटी ऑफ बी इंटू कॉस 53, डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस आ रहा, इज इक्वल टू 0, टी टी कैंसिल हो जाएंगे, वी बी कॉस 53 इज इक्वल टू 3 cos 37, बोले सही है, 3 cos 37, cos 53 और 37 अब तो याद हो गया होगा आपको, 37 में छोटी साइड सामने, 53 में बड़ी साइड सामने। चलिए, सो वी बी इंटू कॉस 53, cos 3/5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 3 into cos 37, cos 37 4/5, 5 से 5 मर जाएगा, 3 से 3 भी मर जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी पॉइंट इज 4 मीटर पर सेकेंड, तो जिस समय ये एंगल 37 है उस टाइम बी की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड से नीचे गिर रहा। तो ये थे टेंशन वाले क्वेश्चन जिसमें कंस्ट्रेंट लगाना था, क्लियर हो गया? टी डॉट एक्स, टी डॉट वी, टी डॉट ए को 0 कर दो टोटल को। अच्छा, अब कई बार कंस्ट्रेंट मोशन हमें नॉर्मल रिएक्शन वाले प्रॉब्लम में लगाना होता है। नॉर्मल रिएक्शन में कैसे कंस्ट्रेंट लगाना है, जैसे मान लो एक बहुत खूबसूरत सवाल मैं आपको यहां दिखाने वाला हूं। मान लो यहां एक ब्लॉक है, वॉल के एकदम क्लोज में वॉल कंस्ट्रेंट लगाएगी, ये रहा एक ब्लॉक, इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट ब्लॉक, और यहां एक और ब्लॉक है देखने में इसके जैसा लग रहा, इससे जस्ट नीचे, और इसको मैंने बोल दिया ब्लॉक टू। अगर ब्लॉक वन नीचे गिरेगा तो ब्लॉक टू बाहर भागेगा, ये नीचे गिरेगा इसको बाहर डिस्प्लेस करता जाएगा, यही इन दोनों के बीच का कंस्ट्रेंट हो गया कि इसके मोशन पे इसका मोशन डिपेंड करेगा। दिक्कत की बात यह है कि यहां इन दोनों में कोई स्ट्रिंग नहीं बंधी, तो इसमें कंस्ट्रेंट लगा कौन रहा है, वो कौन है जो दोनों में कंडीशन बना रहा, वो है नॉर्मल रिएक्शन। सपोज कर लो ये नीचे जा रहा एस्केलरेशन A1 से और ये बाहर जा रहा एस्केलरेशन A2 से, मान लो ये एंगल भी हमको दे रखा है, दिस एंगल इज 30 डिग्री। ठीक है, ये जो एंगल है ये 30 डिग्री। अब हमको मान लो बोल दें कि A2 की वैल्यू है 3√3 m/s² और हमसे पूछे A1 की वैल्यू क्या है, बढ़िया सवाल हो गया, बता रहा ये बाहर जा रहा इस एस्केलरेशन से तो ये नीचे किस एस्केलरेशन से आ रहा, इन दोनों को जोड़ने वाला कौन है, नॉर्मल रिएक्शन। तो अब हम लिखेंगे समीशन n डॉट x इज इक्वल टू 0, समीशन n डॉट v इज इक्वल टू 0, समीशन n डॉट a इज इक्वल टू 0। सवाल होगा क्यों लिख पाए ये, जरा ध्यान से देखो, नॉर्मल रिएक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर में आएगी, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन जो वर्क करेगा इस पे उसका अपोजिट वर्क करेगा, समझो इस पे नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा, ये दोनों टच करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस, ऐसे
नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा, डिस्प्लेसमेंट नीचे, वर्क डन नेगेटिव। इस पे नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा, इस तरफ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन भी इस तरफ ही है, मतलब एस्केलरेशन भी इस तरफ है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, दोनों का जोड़ दोगे तो वर्क डन विल बी जीरो। तो ये हम लॉजिक लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए तो मैं पहले इसका डायग्राम बना लेता हूं, फर्स्ट वाले का, मुझे फर्स्ट का एस्केलरेशन चाहिए। अगला वाला आप खुद से सॉल्व करिएगा। इसका डायग्राम बना रहा, ये रहा नॉर्मल रिएक्शन और एस्केलरेशन किधर है, नीचे। मैं नॉर्मल रिएक्शन को यहां पे बना लूं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एस्केलरेशन नीचे ऐसे, कितना एस्केलरेशन, A1। चलिए अब ये एंगल आपको देखो ध्यान से दे रखा है 30, ये तो ये भी कितना है 30 है कि नहीं यार, इसको इसके ऊपर जोड़ के देखो 30, तो ये भी 30, दिस एंगल इज 30, ये पूरा कितना है 90, ये कितना हो जाएगा 60। देखो ये भी 90 है क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन है, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो गया 30। अब इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, समीशन n डॉट a इज इक्वल्स टू जीरो। नॉर्मल रिएक्शन एस्केलरेशन के अपोजिट है, कितना, n cos 30, सो n cos 30 इंटू माइनस a1 प्लस। इसके बारे में बात करें, यहां इसका डायग्राम देखो मैं बनाता हूं, ये फर्स्ट ब्लॉक, एस्केलरेशन इधर है, कितना एस्केलरेशन है a2। नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा इस पे, इस तरह से, इस नॉर्मल रिएक्शन को मैं शिफ्ट करके यहां बना लूं, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसी को मैंने यहां पे बना लिया। ये एंगल दिया है 30, ये एंगल कितना हो जाएगा 60, तो नॉर्मल रिएक्शन और एस्केलरेशन के बीच में एंगल 60, सो n इंटू ए टू इंटू कॉस 60 इज इक्वल टू जीरो। कुछ गलत है, एकदम सही है, इनको शिफ्ट कर लिया, ये पूरा एंगल 90 हो जाएगा सरफेस के परपेंडिकुलर, ये 30 तो ये 60, n और n कैंसिल हो जाएंगे, सो इट विल बी व्हाट, A1 cos 30 is equals to A2 cos 60। बोलो सही है, ये इधर गया, A1 cos 30 is equals to A2 cos 60। अब A1 की वैल्यू हमें नहीं पता, cos 30 is under root 3 by 2, A2 की वैल्यू दे रखी है 3 root 3, cos 60 is 1 by 2, 2 और 2 कट गया, root 3 से root 3 कट गया, so A1 की वैल्यू आ गई 3 meter per second square, so इसका acceleration हो जाएगा 3 meter per second square। आया क्या, चलिए देखते हैं अगले सवाल में, थोड़ा बहुत समझ में आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे तो आपको ये पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं, यहां पे एक पतला सा बोर है, एक पतली सी जगह है जिसके अंदर से एक ब्लॉक नीचे गिरेगा, ये ब्लॉक नीचे गिर रहा, ये ब्लॉक नीचे गिर रहा, नीचे गिरने की ब्लॉक की स्पीड v1 जो कि हमें दी है 4 meter per second। अच्छा, यहां पे हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है और ये एंगल है 30 डिग्री, इस इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे, सीधा बनाऊ, इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक रखा है ऐसे, इसको मैं बोलता हूं ब्लॉक 1, इसको बोलता हूं ब्लॉक 2। ब्लॉक 1 जब ब्लॉक 2 पे नीचे गिरेगा तो इस पे फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से ब्लॉक 2 फिसल के इधर आएगा V2। देखो ये इसके ऊपर से आके गिरेगा, एकदम बांध के गिरा रहे हैं, जब ये इस पे गिरेगा तो ये आगे की तरफ भागने की कोशिश करेगा, ए अब फील हुआ, ये इस पे गिरेगा, इस तरफ फिसलेगा। अगर V1 4 है तो V2 कितना होगा, अब आप खुद से करने की कोशिश करो। मैं चार ऑप्शन दे देता हूं, A B C D, 2 meter per second, 4 meter per second, 6 meter per second, 8 meter per second। कंस्ट्रेंट क्या है इसमें, नॉर्मल रिएक्शन, वो ब्लॉक नीचे गिर रहा, ये ब्लॉक स्लिप कर रहा, 1 2 3 4 5, वंस अगेन 1 2 3 4 5। चलो देखते हैं, ब्लॉक वन को देखो ध्यान से, ये रहा ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगाएगा ऐसे, और इसका एस्केलरेशन नीचे हो रहा, सॉरी वेलोसिटी दी है v1। इस बार हम क्या यूज करेंगे, समीशन n डॉट v इज इक्वल्स टू जीरो, यहां पे n और v अपोजिट साइड में, तो n इंटू माइनस v1 प्लस। चलो इसकी बात करें ब्लॉक 2 की, ये रहा ब्लॉक 2, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा नीचे खटक, और वेलोसिटी इसकी ऐसे जा रही v2, इनके बीच में एंगल कितना है, तो नॉर्मल रिएक्शन को यहां बना लूं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये रहा नॉर्मल रिएक्शन, ये रही वेलोसिटी, ये 30, ये 90, ये 90 माइनस 30 मतलब 60। ध्यान से देखो ये ट्रायंगल अगर बनेगा, ये V2 का डायरेक्शन,
देखो यही तो है V2 का डायरेक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये V2 का डायरेक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये एंगल कितना दे रखा है हमको, ये एंगल तो दिया है, यहाँ समझ में आ रहा है। चलो यहाँ से देख लो, ये नॉर्मल रिएक्शन वेलोसिटी है, ये 30, 90 तो ये 60, सो नॉर्मल रिएक्शन ऑफ वेलोसिटी में कितना एंगल है 60, सो एन इंटू वी टू इंटू कॉस 60 इज इक्वल्स टू जीरो, एन एन कैंसिल, क्या निकालना है हमको V2 निकालना है, V2 cos 60 is equals to V1, so V2 cos 60 is 1 by 2 और V1 की वैल्यू दी है 4, यहां से V2 की वैल्यू आ गई 8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। कर पाए थे अपने आप, बहुत बढ़िया, नहीं कर पाए तो आखिरी क्वेश्चन आज का आ रहा है उसको ट्राई करें, लास्ट क्वेश्चन डेफिनेटली आप अपने आप कर पाएंगे मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए आखिरी क्वेश्चन क्या है कि फिर से यहां पे एक पतली सी जगह है जिसमें से मैं एक ब्लॉक गिराऊंगा, इस पतले से जगह से मैं एक ब्लॉक गिरा रहा, ध्यान से देखना, प्यारा सवाल है ये, ऐसा, और ये एंगल मेरे से बोला 37 डिग्री है, ये ब्लॉक नीचे गिर रहा, ब्लॉक वन, जैसे जैसे ये ब्लॉक नीचे गिरेगा इंक्लाइन प्लेन को पीछे पुश करेगा, देखो ऐसे ये पीछे जाएगा, तो ये मान लो ब्लॉक नीचे आ रहा विद एस्केलरेशन ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमसे पूछा ये ब्लॉक इस तरफ किस एस्केलरेशन से जाएगा A2, तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं A B C D, सो ब्लॉक A2 की वैल्यू के लिए हमको ऑप्शन दे रहा है 4 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड, 24 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, पॉज करके ट्राई करिए, 1 2 3 4 5, अगेन 1 2 3 4 5, मैं करने जा रहा हूं, शायद आपने ट्राई कर लिया हो। चलिए तो हम बात करेंगे फर्स्ट ब्लॉक की, ये रहा फर्स्ट ब्लॉक, एस्केलरेशन नीचे की तरफ A1, और ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगाएगा, तो इसको मैं यहां बना लूंगा नॉर्मल रिएक्शन। एंगल की बात करें बच्चों, ये एंगल 37 डिग्री, बचा हुआ 53 डिग्री, फिर ये 90, तो बचा हुआ 37, क्लियर है, ये 90 था तो 37 तो 53, फिर ये 90 तो 53 तो 37, यहां नॉर्मल और एस्केलरेशन है तो n डॉट a इज इक्वल टू जीरो, ये अपोजिट डायरेक्शन में n cos 37 माइनस a1 प्लस, सेकेंड ब्लॉक की बात करें जो अपना वेज है, ये एंगल 37 है, वेज की बात करें तो वेज A2 इधर और नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन को मैं यहां बना लूं, अच्छा चलो खेल, ये रहा नॉर्मल रिएक्शन और ये रहा एस्केलरेशन, ऐसे बोल सकते हैं दिस इज नॉर्मल रिएक्शन एंड दिस इज एस्केलरेशन, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 37 और ये कितना हो जाएगा 53, क्लियर है, ये रहा नॉर्मल रिएक्शन, ये रहा एस्केलरेशन, ये एंगल देखो 37 और ये एंगल कितना हो जाएगा 53, सो नॉर्मल रिएक्शन एस्केलेशन बीच में एंगल 53, तो n a2 cos 53 इज इक्वल्स टू जीरो, क्या चाहिए हमको a2 की वैल्यू, n n कैंसिल, a2 cos 53 इज इक्वल्स टू a1 cos 37, तो ये ट्रायंगल की तो आज कई बार बात हो गई है, 37 वाला ट्रायंगल छोटी साइड 3 4 5, 53 वाला ट्रायंगल बड़ी साइड 4 3 5, a2 cos 53 कितना हो जाएगा 3/5, a1 cos 37 4/5, 5 से 5 मर गया, a2 into 3 is equals to a1 की वैल्यू शायद दे रखी है कितनी है 9 into 4, यहां से 3 3 9, 3 4 12, सो a2 की वैल्यू आएगी 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 3 9, 3 4 12, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सारे क्वेश्चन थे कंस्ट्रेंट मोशन के, अगर आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन चाहिए तो ये जो वेज है उसका मास 10 केजी है, वेज का मास 10 केजी, एक क्वेश्चन और बढ़ा दे रहा हूं, कमेंट करिएगा, वेज का मास कितना है 10 केजी, आपसे कहा फाइंड द फोर्स ऑन द रॉड बाय द वेज, मैं एक सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा, फाइंड द फोर्स On rod by wedge rod पे कितनी फोर्स लगा रहा, wedge और rod के बीच में एक ही फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, आपको वो निकालना है।
तो इसको कमेंट करिएगा। तो ये कंस्ट्रेंट मोशन का एक वीडियो मैंने काफी स्पीड में खत्म किया और जितने कंसेप्ट हो सकते थे आपको बताया। सो इस तरह के कुछ वीडियोस हम नए प्लान कर रहे हैं जो आपके लिए अब लेके आएंगे, क्योंकि जेई और नीट पास में आ गए। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।